हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिक रॉय फ्रॉम द मैथमेटिक्स आइकॉन चैनल, योर मैथमेटिक्स टीचर। तो सबसे पहले आज महासप्तमी है, सो सबाई के दुर्गा पूजार हार्दिक अभिनंदन। सबको नवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सुंदर से एंजॉय करिए, एंड एज यू ऑल नो दिस पेंडेमिक सिचुएशन इज गोइंग ऑन, सो यूज द सैनिटाइजर्स एंड मास्क परपोर्टेडली, ओके, बिकॉज दिस 12th एग्जाम्स इज कमिंग सून, सो यू शुड टेक सम प्रोटेक्शन सो दैट यू माइट नॉट बी एक्चुअली दिस इन्फेक्टेड बाय दिस डेडली वायरस। एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, एंजॉय एंड जस्ट फील दिस फेस्टिवल from the deep corner of your mind, but at first you need to think about the board exam. As a 12th candidate, your first and last preference should be your board exam, 12th exam, okay, and the 11th students, you are a science students and you have the final exam, so enjoy kariye, but don't like that, okay. So just remember one thing, whatever the festivals and the occasions will be coming, that will be enjoyed and that will be failed. But you should think about the board exam and the final exams first, and after that all of these things should be kept in your mind, okay. So today in this lecture we will solve some very important questions and very conceptual questions and very very important, actually these very enjoyable questions from Adi Sharma, class 11, compound angles part, okay. So just try the first question, today's first question, just try. If sine b equals to, just write the first question, if साइन बी, यहां पर याद रखना कि आदि शर्मा के एग्जाम्पल एक्सरसाइज सब क्वेश्चंस, जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है सभी में करके दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर एग्जाम्पल एक्सरसाइज ऐसा कुछ नहीं है, जो भी क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है और जो भी क्वेश्चन मुझे एकदम लग रहा है कि नहीं दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड दैट शुड बी डन, एंड आई एम डूइंग द सेम थिंग। साइन बी इक्वल्स टू थ्री साइन twice a plus b, okay, twice a plus b, twice a plus b, prove that 210a, prove that 210a plus 10a plus b, I think, plus 10a plus b plus 10a plus b equals to 0, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन पार्ट है वो आप लिख लीजिए, गिवन साइन बी इक्वल्स टू थ्री साइन ट्वाइस ए प्लस बी, ये गिवन है कि नहीं। अब आपको ये प्रूफ लाना है, टू टेन ए प्लस टेन ए प्लस बी, ये प्रूफ लाना है। तो आप कैसे ला पाएंगे, है तो आपके पास जगत में जो गिवन पार्ट है वो गिवन पार्ट में तो सिर्फ साइन का एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, टेन का तो है नहीं। सो साइन और टेन के बीच ऐसा कुछ रिलेशन है भी नहीं जो आप अप्लाई कर सके यहां पर, तो कैसे लाए यहां पर टेन का एक्सप्रेशन कैसे लाए, यहां पर ये क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, अब टेन लाने के लिए जो भी हंगामा मुझे करना मतलब पड़ेगा वो हम करेंगे, हा? सो दैट मीन्स यहां पर ऐसे तो लिख सकते हैं ना हम लोग, यहां का राइट टू राइट लाइक दिस, मतलब यू कैन इंटरचेंज डायगोनली ऑल्सो, डायगोनल इंटरचेंज हम कर सकते हैं ऐसे, है कि नहीं।
अब जो है मुझे तो 10 लाना है, दिमाग में सिर्फ घूम रहा है कि मुझे 10 लाना है, चारों तरफ मेरे पास साइन है, अब 10 कहां से लाए, 10 कहां से लाए। अब देखो यहां पर वो मैंने बोला था कि एक प्रोसेस कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रोसेस बोला था आपको मैंने। अब कोई भी रास्ता आपके पास खुला नहीं है, अब मतलब साइन का एक्सप्रेशन प्रूफ लाना है आपके पास 10 का एक्सप्रेशन, हाँ मे बी इट कैन बी डन इन द अदर प्रोसेस, जस्ट यू कैन यूज द साइन बी वेलो, बट आई थिंक इट इज सपोज टू बी वेरी मच लेंथी, ओके 3-4 पेज माइट बी देयर। सो इफ यू स्टक व्हाइल यू आर सॉल्विंग सम क्वेश्चंस, देन रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ ट्रैक। Just if you are going through the track, then you will not get the solutions at that moment. So you need to think just out of the way. Okay. So, देखो, component to dividend जो मैंने बोला था, numerator plus denominator, आपको थोड़ा हटके सोचना है. Numerator plus denominator, numerator minus denominator. इक्वल्स टू 3+1/3-1, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, न्यूमरेटर ऊपर क्या रहेगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, नीचे क्या रहेगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो साइन ए प्लस साइन बी फॉर्मूला क्या है, 2 sin A+B/2। अच्छा यहां पर तो शायद ये फॉर्मूला आपको लिखाई नहीं गया था ना, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला तो आपको शायद लिखा नहीं गया है। अच्छा यहां से आप दो प्रोसेस से इसको सॉल्व कर सकते हैं, दो प्रोसेस है आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि दोनों प्रोसेस कर लें, एक काम करो, एक फॉर्मूला आप लिख के रखिए, फॉर्मूला आप लिख के रखिए, हाँ साइड में लिख के रखिए, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस भी नहीं, साइन ए प्लस साइन बी। तो यहां पर साइन ए प्लस साइन बी अगर फॉर्मूला यूज करें तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin A+B/2 cos A-B/2। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, बट दिस फॉर्मूला इज नॉट फॉर द कॉम्पाउंड एंगल फॉर्मूला, it is not the compound angle formula, it is the transformation formula. In the next exercise you will get this formula, this formula is called transformation formula, it is not the compound angle formula, because you can see yahan par trigonometric expression bhi ek hai, angle bhi ek hai, a do angle to nahi hai, ab do angle bologe sare, b bhi to hai, b to b ke sath dusra trigonometric ratio involve hai na, so that means ek hi trigonometric ratio ke sath agar do angle attached है तो ये कॉम्पाउंड एंगल्स हैं, बट यहां पर दो अलग अलग एंगल है, दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो हाउ कुड यू एक्सक्लेम एज द कॉम्पाउंड एंगल्स है, ओके सो ये कॉम्पाउंड एंगल फॉर्मूला नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं, तो देखो फॉर्मूला देखो, 2 sin A+B/2, इट इज योर ए एंड इट इज योर बी, ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, राइट बाई टू होल बाई साइन ए माइनस साइन बी, ये तो साइन ए प्लस साइन बी का था, तो साइन ए माइनस साइन बी ये किसका होगा, 2 cos A+B/2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू, ये है फॉर्मूला, 2 cos A+B/2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, तो एकदम इजी हो जाएगा, बिकॉज इन योर क्वेश्चन दैट विल नॉट बी रिटन दैट यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन by using the compound angle formulas, only you will be given like solve this question. So that means whatever the process it is, you can follow, no problem. But the ultimate thing is that you should get the solution. Okay.
सो यहां पर फॉर गेटिंग द सॉल्यूशंस व्हाट एवर द फॉर्मूलाज विल बी चूजन दैट विल बी एक्सेप्टेबल नो प्रॉब्लम बट यू शुड गेट द सॉल्यूशन फर्स्ट ओके सो हियर आई थिंक दिस टू कैंसिल ओके एंड देखो साइन 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू कॉस यहां पर तो शायद बी भी कैंसिल हो जाएगा ये बी बी कैंसिल हो जाएगा ना सिर्फ कॉस ऐसा रहेगा माइनस ट्वाइस ए बाई टू होल बाई कॉस ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी बाई टू इंटू साइन यहां पर बी सेम बी बी कैंसिल हो जाएगा माइनस टू ए बाई टू इक्वल्स टू टू काटेंगे तो टू हो जाएगा सो दैट मींस साइन ये ऊपर टू कॉमन आता है देखो टू कॉमन आता है ना ए प्लस बी नीचे बाई टू और इधर कॉस ये टू टू कैंसिल मैंने बोला था कॉस माइनस को खा लेता है एब्सॉर्ब कर लेता है माइनस को सो दैट मींस आप सिर्फ कॉस ए लिख सकते हैं और यहां पर भी सेम कॉस टू कॉमन लेंगे ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन साइन तो माइनस नहीं खाता है साइन माइनस को क्या करता बाहर निकाल देता है तो ये बाहर निकाल दो साइन ए इक्वल्स टू टू हो गया तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन यहां पर टू टू कैंसिल टू टू कैंसिल तो ये दोनों मिला के देखो तो क्या आ रहा है साइन ए प्लस बी बाई कॉस ए प्लस बी दैट मीन्स माइनस टेन ए प्लस बी इंटू ये जो है ना ये आपको क्या दिखाई दे रहा है ये आपको शायद कॉट ए दिखाई दे रहा है इक्वल्स टू टू ओके ठीक है तो यहां पर आपको क्या प्रूफ करना है थोड़ा देखो तो ये है माइनस टेन ए प्लस बी और ये जो कॉट है ना कॉट ए उसको वन बाई टेन ए बी तो लिख सकते हैं आप डायगोनल मल्टीप्लाई करें देखो ऐसा आएगा टू टेन ए इक्वल्स टू माइनस टेन ए प्लस बी ऐसा आएगा ना नीचे वन है इसके साथ ये करेंगे तो ये क्या आएगा माइनस टेन ए प्लस बी आएगा अब ये माइनस पार्ट को इधर अगर लेके आ जाओ तो वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो लिख सकते हैं आगे ना प्रूफ इट इज योर प्रूफ हियर ठीक है कि नहीं ठीक है फिर पॉज करो पॉज करके लिख लो फिर ये मतलब ये प्रोसेस कर सकते हैं या फिर दूसरा मतलब कंपाउंड एंगल्स यूज करके भी कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कंपाउंड एंगल्स यूज करके भी हम लोग ये प्रूफ मुझे मिल सकता है ऐसा कोई बात नहीं है ठीक है तो यहां पर लेवल नेक्स्ट क्वेश्चन इफ इफ थ्री टेन ए टेन बी इक्वल्स टू वन देन प्रूव दैट थ्री टेन ए टेन बी इक्वल्स टू वन देन प्रूव दैट टू कॉस ए प्लस बी टू कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी ठीक है ये प्रूफ है सो हियर गिवन पार्ट शुरू करो थ्री टेन ए टेन बी इक्वल्स टू वन सो दैट मीन्स यहां से टेन ए टेन बी इक्वल्स टू वन बाई थ्री लिख सकते हैं तो ये जो गिवन पार्ट है ना मुझे प्रूफ किस पे लाना है कॉस कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी कॉस में है बट गिवन पार्ट टेन में है तो हम लोग का क्या है यहां पर टेन को क्या साइन कॉस में तोड़ू और बेसले तोड़ सकते हैं क्योंकि यहां पर तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मुलेशन है प्रूफ में कॉस लाना है तो टेन अब टेन से कॉस लाने का तो आपके पास एक ही प्रोसेस है तो एक काम कर सकते हैं टेन ए को साइन ए बाई कॉस ए और टेन बी को साइन बी बाई कॉस बी आप लिख सकते हैं और इधर वन बाई थ्री दैट मीन्स साइन ए साइन बी बाई कॉस ए कॉस बी ना इक्वल्स टू वन बाई थ्री ऐसा है मुझे तो ये प्रूफ लाना है और मेरे पास सिर्फ साइन ए साइन बी बाई कॉस ए कॉस बी है ठीक है ना अब यहां पर क्या करें मुझे तो
देखो cos a प्लस बी cos a माइनस बी का फॉर्मूला थोड़ा याद करो, cos a प्लस बी cos a माइनस बी, cos a प्लस बी मतलब cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है ना। फिर cos a माइनस बी का क्या है, cos a cos b प्लस sin a sin b, मींस cos a cos b और sin a sin b के बीच प्लस या फिर माइनस है कि नहीं। मेरे पास क्या यहां पर cos a cos b sin a sin b दिस टाइप का एक्सप्रेशन जो है वो है क्या मेरे पास? हाँ दिखाई तो दे रहा है बट बीच में प्लस माइनस नहीं है, वो अलग अलग है। बट बीच में प्लस माइनस तो हम लोग ला सकते हैं बाय यूजिंग कंपोनेंट और डिविडेंड रूल। तो दैट मींस न्यूमरेटर, हाँ अच्छा यहां पर जो कॉस का फॉर्मूलाज है उसमें तो कॉस ए कॉस बी सामने है ना, तो अगर मैं उसको रिसिप्रोकल कर दूं कॉस ए कॉस बी ऊपर लेके चले जाऊं ठीक है और साइन ए साइन बी नीचे लेके आऊं तो इधर 3/1 होगा। अब कॉम्पोनेटिव डिविडेंड यूज करेंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, देखो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर, ये है न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर है कि नहीं, इक्वल्स टू 3+1/3-1 हो गया। ये जो ऊपर का जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है cos a cos b plus sin a sin b किसका फॉर्मूला है, देखिए देखिए जल्दी से cos a minus b, नीचे जो फॉर्मूला है cos a cos b minus sin a sin b किसका फॉर्मूला है, cos a plus b का होता है, इक्वल्स टू 4/2 दैट मींस टू। अब डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, cos a minus b इक्वल्स टू 2 × cos a plus b, प्रूफ। हाँ? अगेन अ प्रूफ, क्या बोलते हो? फिर नेक्स्ट, इफ 2 tan beta + cot beta = tan alpha, इफ 2 tan beta + cot beta, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। इफ 2 tan beta + cot beta = tan alpha, प्रूव दैट cot beta इक्वल्स टू 2 tan alpha - beta, 2 tan alpha - beta, ये आपको प्रूफ करना है ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है, कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो गिवन पार्ट लिखेंगे, गिवन 2 tan beta + cot beta = tan alpha, इक्वेशन नंबर 1, मतलब tan alpha का वैल्यू ये पार्ट गिवन है ठीक है। अब प्रूफ में जाओ, प्रूफ पार्ट में जाओ, प्रूफ पार्ट पे एक लेफ्ट हैंड साइड है दूसरा राइट हैंड साइड है। अगर यहां पर हमेशा याद रखना, जब आप ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ कर रहे हैं आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो बड़ा एक्सप्रेशन है, बिगर एक्सप्रेशन है, वहां से ही आप शुरू करेंगे, छोटा वाला एक्सप्रेशन से आप शुरू नहीं करेंगे, याद रखना। तो यहां पर देखो तो राइट हैंड साइड यहां पर थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है और ये लेफ्ट हैंड साइड पे एकदम छोटा है, दैट मींस 2 tan alpha - beta, सो दैट मींस 2, ये फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, 10 alpha - 10 beta / 1 + 10 alpha - 10 beta। अब 10 alpha का वैल्यू तो हम लोग को पता है, उस समय दिया हुआ है, यूज करो 2 tan beta + cot beta - 10 beta / 1 + 10 alpha, that means 2 tan beta + cot beta, rather 10 beta. 2. 10 beta + cot beta /
वन प्लस टू टेन स्क्वायर बीटा प्लस कॉट बीटा इंटू टेन बीटा। तो टेन बीटा प्लस कॉट बीटा डिवाइडेड बाई क्या हो सकता है, यहां पर देखो तो थोड़ा ये कॉट बीटा को तो हम लोग वन बाई टेन बीटा तो लिख सकते हैं, है कि नहीं? देखो तो वन प्लस टू टेन स्क्वायर बीटा प्लस टेन बीटा को अगर कॉट बीटा को वन बाई टेन बीटा लिखो तो ये भी वन हो जाएगा। देखो तो कॉट बीटा को वन बाई टेन बीटा इंटू टेन बीटा तो काटेंगे तो क्या होगा, वन हो जाएगा। सो दैट मीन्स यहां पर क्या रहेगा, टू टेन बीटा प्लस कॉट बीटा बाई टू प्लस टू टेन स्क्वायर बीटा, है कि नहीं? ऐसा रहेगा क्या? तो यहां पर ये नीचे टू कॉमन लो, टू टू कैंसिल करो, टू टू कैंसिल करो तो देखो तो क्या आता है, नीचे टू कॉमन लो आ जाएगा शायद प्रूफ, ऑब्वियसली आएगा, नो प्रॉब्लम। कहा नहीं आते, कहा जाएगा? तो यहां पर टू टेन बीटा प्लस, अच्छा कॉट बीटा को वन बाई टेन बीटा लिख लू और नीचे टू कॉमन लेके वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा, ये टू टू। तो यहां पर टेन स्क्वायर बीटा प्लस वन बाई टेन बीटा होल बाय वन प्लस फिर से टेन स्क्वायर बीटा, वो देखो वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा कैंसिल, रह जाता है सिर्फ वन बाई टेन बीटा, दैट मींस कॉट बीटा, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड प्रोडक्ट, ठीक है ना? आ गया ना प्रूफ? हाँ, थोड़ा मतलब थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है? और ये प्रूफ के ऊपर जो गिवन प्रूफ है उसके ऊपर डिपेंड करके ही आपको प्रोसेस बनाना है, ठीक है? हमेशा याद है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाके जितना सारा क्वेश्चंस कर रहे हो, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? ओके, फिर नेक्स्ट, इफ नेक्स्ट क्वेश्चन को, इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन गामा माइनस डेल्टा, देन प्रूव दैट कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा, कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा इक्वल्स टू कॉट डेल्टा, ये आपको प्रूफ करना है। यहां पर भी देखो प्रूफ जो है वो कॉट में है, जो गिवन में है वो साइन कॉस में है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, तो जो गिवन है वो लिखो कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस बीटा साइन गामा माइनस डेल्टा। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट लाइन मुझे क्या करना है, मुझे कि यहां पर एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था टू कॉसे साइन बी, ये सब फॉर्मूलास तो आपका नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ है। अच्छा यहां पर हाँ लिखा के तो दिया है शायद, हाँ लिखा के तो दिया है, ठीक है आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा। हाँ टू कॉस ए साइन बी, टू साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये सब तो मैंने करके दे दिया। अच्छा ठीक है, तो यहां पर क्या मुझे कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला यूज करना है, अगर बोथ साइड में टू टू मल्टीप्लाई कर दू तो देखो फॉर्मूला बनता है ना, टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए साइन बी,
तो टू कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं, साइन ए प्लस बी सब साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन में कन्वर्ट करके यहां पर हम लोग क्या करें, मुझे तो सिर्फ कॉट चाहिए ना यहां पर। तो साइन में कन्वर्ट करके मैं क्या करूं, हाँ तो यहां पर तो मुझे कॉट चाहिए, और वो भी देखिए अल्फा बीटा का टर्म एक साथ रहना चाहिए मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। अल्फा बीटा का टर्म मल्टीप्लीकेशन में एक साथ रहना चाहिए, एक साथ। अल्फा बीटा क्या है, एक साथ दिखाई दे रहा है ना आपको, एक साथ रहना चाहिए। तो अल्फा बीटा अगर एक साथ रहना चाहिए तो गिवन पार्ट में भी जहां पर अल्फा बीटा रिलेटेड टर्म्स है सबको मैं एक साथ लेके आ जाऊं, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा, और उधर साइन गामा माइनस डेल्टा बाई साइन गामा प्लस डेल्टा। देखो अल्फा बीटा एक साथ हो गया, गामा डेल्टा एक साथ हो गया, मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें अल्फा बीटा तो एटलीस्ट कम से कम एक साथ रहेगा, गामा डेल्टा कम से कम एक साथ रहेगा, ठीक है। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, यहां पर कि ये कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तक तोड़े क्या, तुर्की इतना लंबा करे उसको, हाँ, या फिर दूसरा कुछ रास्ता आप अप्लाई कर सकते हैं, कॉम्पिटेटिव डिविडेंड यूज कर सकते हैं, हाँ एकदम। ये जो प्रोसेस है ना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कहां पर आप यूज करें, ठीक है ना। यहां पर देखिए कॉस ए मतलब दोनों तरफ फ्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा है, और रास्ता भी आपको इतना ज्यादा मतलब फ्रूटफुल रास्ता तो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि जिससे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। अगर आपके पास ऑप्शंस बेटर ऑप्शंस नहीं है तो आपको कॉम्पोनेटिव डिविडेंड यूज करना ही ज्यादा आई थिंक दैट विल बी यूजफुल रहेगा। सो अगर मैं कॉम्पोनेटिव डिविडेंड यूज करूं यहां पर क्या होता है, देखो तो कॉम्पोनेटिव डिविडेंड अगर मैं यूज करूं क्या होता है, देखो तो कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू साइन दिस प्लस साइन गामा प्लस डेल्टा बाय साइन गामा माइनस डेल्टा माइनस साइन गामा प्लस डेल्टा। तो देखो तो ये फॉर्मूला एक बन जाता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी, देखो देखो थोड़ा देखो जल्दी से, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी टू कॉस ए कॉस बी टू कॉस ए कॉस बी बाई कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, देखो जल्दी से कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी माइनस टू साइन ए साइन बी, जल्दी से देखो फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी टू साइन ए कॉस बी बाय, यहां पर देखो साइन ए माइनस बी सामने आ गया, साइन ए प्लस बी बाद में चला गया, तो देखते हैं फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी ये फॉर्मूला होता है टू कॉस ए साइन बी का, टू कॉस ए साइन बी। अगर ये वाला अब सामने है या अगर पीछे है तो इंटरचेंज हो गया ना, तो एक सामने माइनस है तभी तो हो गया, दैट मीन्स माइनस टू कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी, देखो तो हो गया कि नहीं, हो गया फॉर्मूला यूज कर, यहां पर टू टू कैंसिल, ये माइनस माइनस भी कैंसिल, यहां पर टू टू कैंसिल, तो देखो हाँ देखो यहां पर तो ये आपका हो गया कॉट अल्फा, ये आपका हो गया कॉट बीटा आ गया ना, देखो तो ये आपका हो गया टेन डेल्टा, ये आपका हो गया कॉट ये गामा है सॉरी कॉट डेल्टा, तो कॉट अल्फा कॉट बीटा, और ये जो टेन गामा है ना ये वन बाई कॉट गामा नहीं लिख सकते क्या उसको, ये टेन गामा को वन बाई कॉट गामा ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो हाँ लिख सकते हैं ना। अब ये जो है
कॉट गामा डायगोनल अगर मैं मल्टीप्लाई करूं कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा इक्वल्स टू कॉट डेल्टा प्रूफ्ड। यही तो प्रूफ है आपका, है कि नहीं? हाँ? बहुत सिंपल तरीके से आंसर्स यहां पर मिल रहे हैं कि नहीं? ठीक है, ये जो है ना ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली इन कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूलास, ये जो प्रूफ्स हैं, अगर आपको मतलब क्वेश्चन दिया जाए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ऐसा कोई कंडीशंस आ जाए आपके सामने कि इक्वल्स टू साइन बीच में है और दोनों तरफ कोई भी फ्रैक्शंस दिखाई दे रहा है, तब 99% केस में आपको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो प्रोसेस अप्लाई करना है। जिससे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो प्रोसेस क्यों बनाया गया, जिससे आपको कैलकुलेशंस जो है वो एकदम इजीली मिल जाए। तो अगर मतलब कोई भी फॉर्मूला, अगर कोई भी मतलब चीज आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास बेटर ऑप्शन कुछ नहीं है, तो आप यू कैन यूज कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो प्रोसेस। बट वो प्रोसेस अप्लाई करने के लिए इक्वल्स टू साइन के दोनों साइड में आपको फ्रैक्शंस होना पड़ेगा। अगर फ्रैक्शंस है दोनों साइड में, तब आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज कर सकते हैं। बेंगलुरु में उसको बोला जाता है जोग भाग प्रक्रिया। ओके, आप लोगों ने सब जूनियर क्लास में किया है। लो, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब इफ 10 अल्फा प्लस एक्स, इफ 10 अल्फा प्लस एक्स, if 10 alpha plus x if 10 alpha plus x equals to n 10 alpha minus x then show that क्या होता है n plus 1 sin twice x equals to n minus 1 होगा, हाँ n minus 1 sin twice alpha। अब देखो यहां पर जो है ना, इस टाइप का जो क्वेश्चंस हैं यहां पर एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है मुझे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज करना है। कैसे? देखो, जब आपके पास किसी भी प्रूफ पार्ट में ऐसा लिखा रहेगा एन प्लस वन एन माइनस वन, एम प्लस एन एम माइनस एन, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, मतलब एक ही टर्म, एक प्लस का एक माइनस का, तभी आपको सोच लेना कि मुझे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज करना है। ऐसा देखो, टर्म दोनों एक ही है, बट बीच में माइनस थोड़ा चेंज हो रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस, एम प्लस एन एम माइनस एन, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इस टाइप का टर्म्स अगर रहे देन श्योरली यू हैव टू यूज कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो प्रोसेस। विदाउट यूजिंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो प्रोसेस यू कांट सॉल्व, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर एक्चुअली दिस पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर्ड फॉर द कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो प्रोसेस। विदाउट यूजिंग दिस प्रोसेस यू कांट गेट दिस प्रूफ हियर। सो गिवेन, शुरू करो, 10 अल्फा प्लस एक्स एन 10 अल्फा माइनस एक्स, तो एक काम करते हैं 10 अल्फा प्लस एक्स बाई 10 अल्फा माइनस एक्स उधर एन बाई वन ऐसा। अब अगर बोथ साइड कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज करें, हाँ एक काम करते हैं साइन को उसमें तोड़ देते हैं, क्योंकि यहां पर साइन साइन वाला भी केस है ना, 10 का तो कुछ प्रूफ है नहीं, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो हम लोगों ने यूज कर दिया। अगर यहां पर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज नहीं किया बेटा, यूज कर दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं 10 अल्फा माइनस एक्स बाई
10 अल्फा प्लस एक्स माइनस 10 अल्फा माइनस एक्स इक्वल्स टू एन प्लस 1 बाई एन माइनस 1। देखिए आगे ना एन प्लस 1 एन माइनस 1। ठीक है, आप अगर यहां पर कॉम्पोनेटिव डिफरेंटी यूज नहीं करते तो ये टर्म में नहीं आता। अब जितना सा 10 है सबको साइन कॉस में तोड़ दो, क्योंकि प्रूफ पार्ट में देखो सिर्फ साइन का एक्सप्रेशन है, तो 10 का एक्सप्रेशन देखे हम लोग क्या करें, साइन कॉस में तोड़। तो साइन अल्फा प्लस एक्स बाय कॉस अल्फा प्लस एक्स प्लस साइन अल्फा माइनस एक्स बाय कॉस अल्फा माइनस एक्स होल बाय साइन अल्फा प्लस एक्स बाय कॉस अल्फा प्लस एक्स माइनस साइन अल्फा माइनस एक्स बाय कॉस अल्फा माइनस एक्स इक्वल्स टू एन प्लस वन बाय एन माइनस वन, सॉरी एन माइनस वन। ओके, ठीक है। तो यहां पर एलसीएम तो हम लोग ले सकते हैं यहां पर, है कि नहीं? अगर एलसीएम ले लें, थोड़ा आप यहां पर थोड़ा एडिट कर दीजिए, एलसीएम लो नीचे ऊपर एलसीएम लो, क्या होता है देखो, एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर में थोड़ा देख लो, ये तो शायद आप लोग के रेंज का ही है। एलसीएम अगर लेते हैं, एलसीएम क्या होता है, कॉस अल्फा प्लस एक्स कॉस अल्फा माइनस एक्स, देखो साइन अल्फा प्लस एक्स इंटू कॉस अल्फा माइनस एक्स प्लस साइन अल्फा माइनस एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस एक्स होल डिवाइड बाय, नीचे भी सेम एलसीएम तो वही आएगा, सेम ही आएगा, कॉस अल्फा प्लस एक्स कॉस अल्फा माइनस एक्स साइन अल्फा प्लस एक्स कॉस अल्फा माइनस एक्स, बीच में माइनस होगा सिर्फ, बाकी सब तो सेम रहेगा, कॉस साइन अल्फा माइनस एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस एक्स इधर एन प्लस वन बाई एन माइनस वन। ये देखो दोनों तरफ ये जो है ना एलसीएम कैंसिल भी हो जाता है। हाँ, अब देखो एक फॉर्मूला की तरह बन रहा है, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी, ए मतलब अल्फा प्लस एक्स प्लस बी मतलब अल्फा माइनस एक्स, और इधर नीचे भी सेम साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दैट मीन्स साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू एन प्लस वन बाय एन माइनस वन। तो है यहां पर देखो एक्स एक्स कैंसिल और यहां पर अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स साइन टूआइस अल्फा बाय साइन टूआइस एक्स इक्वल्स टू एन प्लस वन बाय एन माइनस वन। डायगोनल मल्टीप्लाई करो, एन माइनस वन साइन टूआइस अल्फा एन प्लस वन साइन टूआइस एक्स, बस प्रूफ हो गया, देखो प्रूफ राइट। सो देखो ये स्टेप का क्वेश्चंस जो है ना करने में बहुत मजा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब, ठीक है, एक से एक इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन तो पूरा सॉल्यूशन का हम लोगों ने कर ही लिया है, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में तो ऐसा कुछ है नहीं और बाकी। हाँ, तो ये सब एडिशन का क्वेश्चन है और भी है, और भी हम लोग करेंगे, ठीक। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। आज से हम लोग यहाँ पर स्टॉप रखेंगे और सबको फिर से दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, जिससे मेरा चैनल का और भी ज्यादा ग्रो हो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, ओके बाय एंड।